1524 में आज ही के दिन यूरोप से भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाने वाले पुर्तगाली खोजी नाविक वास्को डी गामा का कोच्ची में निधन हुआ था। वास्को डी गामा के द्वारा की गई भारत यात्राओं ने पश्चिमी यूरोप से कैप ऑफ गुड होप होकर पूर्व के लिए समुद्री मार्ग खोल दिए थे। इन्होंने विश्व इतिहास के एक नए युग की शुरुआत की थी। वास्को यूरोपीय खोज युग के सबसे सफल खोजकर्ताओं में से एक और यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाले जहाजों के कमांडर थे। वास्को डी गामा ने पुर्तगाल को एक विश्व शक्ति के बनाने में मदद की थी। वास्को को भारत का खोजकर्ता के अलावा अरब सागर का महत्वपूर्ण नौसेनानी और ईसाई धर्म के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। उनकी पहली और बाद की यात्राओं के दौरान लिखे गए घटनाक्रम को 16वीं सदी के अफ्रीका और केरल के जनजीवन का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। 1924 में मशहूर गायक मोहम्मद रफी का जन्म अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। रफी साहब हिंदी सिनेमा के बेहतरीन पार्श्व गायकों में से एक थे। अपनी आवाज की मिठास की वजह से इन्हें शहंशाह तरन्नुम भी कहा जाता था। मोहम्मद रफी की आवाज ने अपने आगामी दिनों में कई गायकों को प्रेरित भी किया। इनमें शब्बीर कुमार, अनवर मोहम्मद अजीज, सोनू निगम और उदित नारायण का नाम शामिल है। मोहम्मद रफी ने अपनी पेशेवर जिंदगी में तकरीबन हर भाषा में 26,000 गीत गाए। इनमें मुख्य धारा हिंदी गानों के अतिरिक्त गजल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली और अन्य भाषाओं में गाए गीत शामिल हैं। वर्ष 1946 में फिल्म अनमोल घड़ी में तेरा खिलौना टूट गया से उन्होंने हिंदी फिल्म जगत के पायदान पर कदम रखा था और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मोहम्मद रफी अभिनेता शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार की आवाज माने जाते थे। रफी साहब को 6 बार सर्वश्रेष्ठ गायक के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। 1965 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था। यह हमला 1978 के सोवियत अफगान मैत्री संधि के बहाने किया गया था। आधी रात होते ही अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोवियत संघ ने सैन्य विमानों के जरिए सैनिकों को उतारना शुरू कर दिया था। अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके से सोवियत सेना की पैदल टुकड़ी दाखिल हुई और कुछ ही दिनों के भीतर सोवियत संघ का काबुल पर कब्जा हो गया। 27 दिसंबर को बबराक करमाल देश के नए शासक बनाए गए थे। 1987 में अमेरिका ने अफगानों को कंधे पर रखकर इस्तेमाल की जाने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें दी, जिसके बाद अफगानों ने सोवियत संघ के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को हवा में ही नष्ट करना शुरू कर दिया। सोवियत नेता मिखाइल गर्बाचोव ने जब देखा कि अफगानिस्तान में जीत नहीं मिल रही है तो उन्होंने देश से निकलने का फैसला किया। सोवियतों को इस लड़ाई में अपने 15,000 सैनिकों को खोना पड़ा था। साथ ही सोवियत संघ को आर्थिक तौर पर भी बहुत नुकसान झेलना पड़ा। और भारत में 24 दिसंबर यानी कि आज का दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1986 में इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित हुआ था। इसके बाद इस अधिनियम में 1991 और 1993 में संशोधन किए गए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को अधिकाधिक कार्यरत और प्रयोजनपूर्ण बनाने के लिए दिसंबर 2002 में एक व्यापक संशोधन लाया गया और मार्च 2003 से लागू किया गया। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता संरक्षण नियम 1987 में भी संशोधन किया गया और 5 मार्च 2004 को अधिसूचित किया गया था। भारत सरकार ने 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस घोषित किया है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ने उसी दिन ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को स्वीकार किया था। इसके अलावा 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।